बड़ी खबर, गोहाना से दूध विक्रेता से 7 लाख रुपए की लूट की खबर है। बंदूक के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की। 7 लाख रुपयों की लूट की खबर दूध विक्रेता के साथ लूट की गई। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। गोहाना से बड़ी खबर, लूट की खबर, 7 लाख रुपयों की लूट की खबर, दूध विक्रेता से 7 लाख रुपए लूटे गए। बंदूक के बल पर बदमाशों ने लूटपाट की इस वारदात को अंजाम दिया। बंदूक की नोक पर लूट ले गए 7 लाख, कौन थे पता नहीं। अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। बड़ी खबर, गोहाना से पहुंचा रहे हैं, एक दूध विक्रेता के साथ लूट हुई है, लाखों रुपयों की लूट हुई है, 7 लाख के लूट को अंजाम दिया गया। सीसीटीवी में हालांकि वारदात कैद हो गई है। ये देखिए लूट की ये पूरी वारदात तीसरी आंख ने अपने भीतर कैद कर लिया एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ। बड़ी खबर, दूध विक्रेता से 7 लाख रुपयों की लूट हुई है, बंदूक की नोक पर लूट को अंजाम दिया गया। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ ये बड़ी खबर, 7 लाख रुपए लेकर चलते बने ये बाइक सवार। एक युवक पहले से ही बाइक को स्टार्ट करके बाहर खड़ा और दो किस तरह से दूध विक्रेता के साथ झड़प कर रहे हैं, बंदूक की नोक दिखाकर लूट को अंजाम दे रहे हैं, वो आपने इस सीसीटीवी फुटेज में देखा। एक्सक्लूसिव तस्वीरों के साथ बड़ी खबर, 7 लाख रुपयों की लूट की खबर है। 7 लाख रुपए लूट कर ये लोग यहां से चंपत हो गए, फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। बाइक को कुछ इस तरह से खड़ा किया गया है कि नंबर देखना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन तकनीक का खेल है, पुलिस चाहे तो जूम करके बहुत कुछ और भी पता चल सकता है। किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने साफ दिख रहा है। हेलमेट सिर्फ एक शख्स के सिर पर जो आगे बैठ के पहले से ही बाइक स्टार्ट किए हुए। सुनील जंदल हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। सुनील, लूट की इस वारदात में अज्ञात बदमाशों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है, लेकिन बहुत बेहतर बात यह रही पुलिस के लिए कि एक कड़ी मिल गई है सीसीटीवी फुटेज के रूप में। 3 युवक हैं, एक हेलमेट में, 2 पीछे जो लूट कर बैठे हुए हैं वो, उनके कपड़ों का रंग, बहुत कुछ है पुलिस के पास खंगालने के लिए इस दूध विक्रेता से लूट के बाद। क्या अज्ञात बदमाशों के नाम पता कर पाई है पुलिस? देखिए, पुलिस अभी मामले की जांच कर रही है, सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया है। पुलिस का कहना है कि जल्द जो है आरोपी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। कहीं ना कहीं जिस तरह से सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है, उससे एक कड़ी जरूर ये कह सकते हैं कि पुलिस के सामने आई है, क्योंकि देखिए इसमें साफ दिखाई दे रहे हैं कि एक बाइक पर 3 युवक सवार होकर आए थे, दूध विक्रेता से जो है कहीं ना कहीं 7 लाख की लूट की घटना को अंजाम देने के बाद फरार हुए हैं। और जिनमें से एक युवक जो है बाइक स्टार्ट करके दुकान के बाहर का था, जिसने हेलमेट लगा रखा था, और 2 युवकों ने अपने मुंह पर जो है कपड़ा लगाकर अंदर आए थे, जिन्होंने बंदूक की नोक पर जो है इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। ये दूध विक्रेता गोहाना के मुगलपुरा का रहने वाला है, अपने घर के पास ही जो है दूध का हौसला काम करता है। इसकी माने तो इसने आज जो है अपनी जो कंपनी है उसमें 7 लाख रुपए जमा कराने थे, अपने घर से लेके जैसे ही दुकान पे आया और गले में रखे तो 3 युवक जो है उसके पीछे पीछे आए और बंदूक की नोक पर जो है दुकान में अंदर आकर जो है कहीं ना कहीं उसकी लूट की अंजाम दिया। हो सकता है इन जो युवक है इन्होंने पहले पूरी घटना की देखी की हो, उसके बाद जो है घटना को अंजाम दिया गया हो, ये फिलहाल जांच का विषय है। पुलिस ने मामला जरूर दर्ज कर लिया है, एक कड़ी जरूर पुलिस के हाथ लगी है। सीसीटीवी फुटेज और आस पास में जो और भी सीसीटीवी फुटेज है उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि देखिए जो ये मुगलपुरा का इलाका है यहाँ आस पास की जो गलियाँ हैं वो बिल्कुल तंग है और भिड़ी भिड़ी गलियां होने की वजह से इन युवकों ने जो है बाइक का औसत प्रयोग किया है। ये युवक जो साथ लगता है पुरानी सब्जी मंडी है उसकी तरफ से ये युवक बताए जा रहे हैं कि वहां से चल आए थे और ये शहर की तरफ कहीं ना कहीं भागने में कामयाब हुए हैं। पुलिस जरूर मामला दर्ज कर लिया, मामले की जांच की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द जो है घटना को सुलझा लिया जाएगा। जी चलिए, अपडेट के लिए लौटूंगी सुनील, फिलहाल नजर बनाए रखिए।